कहीं दिल्ली में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं पे कहीं अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने एक साइड रख के यहाँ वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। वीर साहब मैं तहे दिल आपको और आपके साथियों का शुक्रगुजार हूँ, इस उम्मीद के साथ कि 4 जून को जब नतीजे निकलेंगे तो भारी अक्सरियत से हमारे मियां अल्ताफ साहब कामयाब होंगे। आखिर में मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों को वही बात दोहराना चाहूंगा जो वीर साहब ने अपनी तकरीर जिस बात पे खत्म की, यहाँ पे आप पार्टी से हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जाना चाहिए। मैं लास्ट में उमर साहब से गुजारिश करूंगा, ये अभी कोई असेंबली चुनाव नहीं है, ना मीर साहब कैंडिडेट है तो ना कोई और मीर साहब, पहले हम मिल करके इस चुनाव को कामयाबी से आगे ले चलेंगे, आगे फिर बैठेंगे हमारे लीडरान जो फैसला करेंगे हमें तस्लीम होगा। मगर कोई भी साथी इस लोकसभा के चुनाव में आड़े न लाए अपनी जात को, मैं या कोई और साथी, मैंने किसी साथी को ये नहीं कहा होगा कि ऐसा करो या वैसा करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बहुत होनहार साथी हैं, बहुत संजीदा साथी हैं, मगर उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जब एक एक कांग्रेस का वर्कर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल को वोट डालने जा रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों को चाहिए कि वो दामन फैलाकर बल्कि दिल खोलकर इन कांग्रेस के साथियों को वेलकम करें, ना कि कहीं पर ऐसी तैसी बातें करें जिससे किसी वर्कर का दिल नहीं खोलता, क्योंकि ये मिला जुला मिशन है। आगे 5 महीने बाद जो फैसला करेगा, जो उमर साहब फैसला करेगा, फारूक साहब फैसला करेगा, राहुल गांधी फैसला करेगा, मगर उस वक्त भी प्रदेश में सरकार बनाने की जरूरत है, मगर इस वक्त हमें देश में भाजपा बगाव तहरीर चलानी है। कोई भी बात, कोई अगर नाचार बात कर भी लेता है आपके किसी वर्कर के साथ या किसी दुकान पर, उन बातों में मत जाओ। हमारा वोट, हमारा वोट, मैं दूसरा नारा दूंगा, हमारा वोट, हमारा वोट, हमारा वोट। अब मैं तीसरी बार बोलूंगा, उसमें उसमें बोलो मियां अल्ताफ साहब, हमारा वोट, हमारा वोट, हमारा वोट। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दावत दूंगा हमारे मुसलमानों की आबादी 14%। खुदा रहा मुझे बताइए ना, 80% लोगों को 14% लोगों से क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है? और उनको ये खतरा सिर्फ इलेक्शन में नजर आता है। आज सोचे समझे एक 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 प्रोग्राम के तहत नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो लोगों के मंगलसूत्र जो है वो खतरे में होंगे, जमीनें खतरे में होंगी। ए नाब, मुझे एक मिसाल दे दीजिए इस पूरे मुल्क में जहां मुसलमानों ने किसी और का हक मांगा होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगा है, अपने हक से एक डबल पैसा ज्यादा नहीं। और इसलिए इंडियन अलायंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो नारा है सर गलत है। नहीं, मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती, मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो भी ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के जरिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह रजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे, और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी के तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखा। तो सर ये बताइए कि जिसमें से आपने कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ा जा सकता था, तो अभी क्या लग रहा है आपको, ये पहला मेगा जो है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के लिए, तो क्या एसेस कर पा रहे हैं? बड़ा अच्छा माहौल, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये पहला ज्वाइंट शो नहीं है,
इससे पहले ना मेगा शोज तो इससे पहले भी हमने किए, आप सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हैं। हमने चार दिन लगातार मेगा शो किए चिनाब वैली में, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब खुद जम्मू में मौजूद थे जब रमन भल्ला साहब ने कागज भरे, कठुआ में भी, बाकी जगहों में हमारे इस तरह शो रहे और इंशाल्लाह आगे भी जब तक पोलिंग खत्म नहीं होता हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और उससे आगे भी। सर राजौरी से एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी का जो अधिकारी है वो धमका रहा है वोटर को। मतलब बीजेपी की आदत है धमकाना, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते। हम इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इलेक्शन पोस्टपोन किया, शायद उनसे भी अब इंसाफ की कोई उम्मीद रखना जो है वो हम हमारी गलत फहमी होती है। क्या आपकी पोजीशन क्या है, क्या समझते हैं आप? मतलब हम फर्स्ट पोजीशन पे है ना, आपको कोई शक है इसमें?